शहर के सौंदर्यीकरण और सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर जिले में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान शहर के गांधी चौक के पास सबसे ज्यादा अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की गई। एसडीएम मनोज कुमार चौधरी और एसडीपीओ दिनेश चंद्र श्रीवास्तव सहित काफी पुलिस जवानों की मौजूदगी में अतिक्रमण को हटाया गया। कई सड़कें अतिक्रमण मुक्त। जिला प्रशासन ने गांधी चौक से लेकर कटोरिया बस स्टैंड से पीबीएस कॉलेज और शिवाजी चौक की तरफ जाने वाली सड़क को दुकानदारों के अतिक्रमण से मुक्त करवाया। इसके साथ ही अतिक्रमित वीर कुंवर सिंह की मूर्ति को भी मुक्त कराया गया। एक महीने से अल्टीमेटम कराया जा रहा था। बताया जा रहा था कि शहरी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के लिए एक महीने तक जिला प्रशासन की ओर से माइकिंग करवाया गया था, लेकिन दुकानदार हटने को तैयार नहीं हो रहे थे। इसी वजह से सोमवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। हालांकि जिला प्रशासन इन दुकानदार और फुटपाथ विक्रेताओं को व्यवसाय के लिए नगर परिषद के साथ मिलकर जमीन मुहैया करवाने को पहल कर रहा है। वहीं दुकानदारों को स्मार्ट कार्ड बनाया जा रहा है और उन्हें व्यवसाय करने के लिए ऋण भी मुहैया कराया जा रहा है। दर्जनों दुकानदार इसका लाभ ले चुके हैं। बांका जिले के रजौन थाना क्षेत्र में आपराधिक वारदात थमने का नाम नहीं ले रहा। 20 दिन के अंदर दूसरी हत्याकांड से रजौन का लहौरिया गांव दहल उठा। रजौन थाना क्षेत्र अंतर्गत चिलकाबर असौता पंचायत के लहौरिया गांव के वीर सामून शाह उर्फ मुनि शाह की गला रेत कर अपराधियों ने हत्या कर दी और वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारा भाग निकले। रविवार की सुबह वीर की लाश खून से लथपथ पड़ी मिली। वीर की हत्या किए जाने की जानकारी ग्रामीणों को हुई तो मौके पर देखने वाले लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। घटना की सूचना ग्रामीणों ने रजौन थाने को दी। सूचना मिलते ही पुलिस इंस्पेक्टर राजेश कुमार और थानाध्यक्ष वुरदेव पासवान दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर सबको कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया। इधर वृद्ध की हत्या के बाद परिजन में कोहराम मचा हुआ। इससे पूर्व 14 दिसंबर को भी अपराधियों ने यहां एक अधेड़ की हत्या कर दी, जिस घटना का पुलिस अब तक उद्भेदन नहीं कर सकी। इसी बीच दूसरी घटना से ग्रामीण दहशत में है। लहौरिया गांव के मृतक जामुन शाह उर्फ मुनि शाह शिक्षक जयप्रकाश नारायण यादव के घर की रखवाली करीब 5 वर्षों से करते हुए हर दिन की तरफ उनके घर के सामने सोता था। इसी बीच अज्ञात अपराधियों ने घर में गृह वेदन करते हुए घर का रक्षा कर रहे रखवालों की पहचान एवं साक्ष्य छिपाने के ख्याल से अपराधियों में गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी। घटना की गंभीरता को देखते हुए डॉग स्क्वाड टीम को जांच के लिए मंगाया गया, जहां देर शाम जांच चलता रहा। इस घटना में पूरे परिवार के सदस्यों का रोते रोते बुरा हाल है। बांका जिले में 31 दिसंबर को दिव्यांगजनों के लिए मोबाइल कोर्ट में जिले भर के दिव्यांगजनों की समस्या सुनी जाएगी। राज्य निशक्ता आयोग के आयुक्त डॉक्टर शिवाजी कुमार ने बांका परिषद में प्रेस वार्ता कर बताया कि जिले के प्रत्येक पंचायत में दिव्यांगजनों को मिलने वाले लाभ को लेकर औचक निरीक्षण हो रहा है। पिछले 3 वर्षों से दिव्यांगजनों के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन दिव्यांगजनों को योजना के लाभ के बारे में जानकारी नहीं मिलती। उनके उत्थान के लिए जिला के हर एक प्रखंड में दिव्यांगजनों कई बैठक कर समस्याओं का निदान मौके पर किया जाएगा। ये दिव्यांगजन आर्थिक उन्नयन के लिए शिकायत फॉर्म भर कर समस्या से अवगत कर सकते हैं। दिव्यांगजनों के लिए आवास योजना का लाभ, खेल कूद का योजना का लाभ सहित अन्य योजना शामिल है। वहीं दिव्यांगजनों को बैंकों से लोन में काफी समस्या आ रही है, जिसको लेकर बैंक अधिकारियों के साथ बैठक कर यूडीआई की समीक्षा होगी। आयुक्त ने बताया कि सरकारी इकाई दिव्यांग कर्मचारियों को विवेक संगत अनुकूलन, बाधा रहित उपयुक्त एवं समुचित वातावरण उपलब्ध कराएगी। मुख्य धारा के सभी प्रकार के औपचारिक एवं अनौपचारिक व्यावसायिक एवं कौशल विकास परीक्षण योजनाएं कार्यक्रमों के दिव्यांगजनों का समावेश सहित अन्य कौशल विकास एवं रोजगार को लेकर प्रावधान है। मौके पर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी योगेंद्र लाल सहित अन्य सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित थे। ऑनलाइन के माध्यम से या फिजिकल माध्यम से वो जमा कर दे, हम लोग 31 तारीख को कोर्ट करेंगे। बांका जिले के फुली डुमर थाना क्षेत्र के केड़िया मोड़ के समीप ससुराल से घर जा रहे युवक का सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। युवक सुइया थाना क्षेत्र के बरगुनिया का बताया जा रहा है। परिजनों ने बताया कि मृतक 30 वर्षीय लखन दास की शादी क्षेत्र के सैलैया निवासी कमल दास की पुत्री लख्या देवी से पिछले वर्ष हुई थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गाड़ी की रफ्तार अधिक होने के कारण दुर्घटना हुई। दुर्घटना इतना जबरदस्त था कि युवक बांका बेलहर मुख्य सड़क से करीब 50 मीटर दूर जा गिरा। मृतक की गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही फुली डुमर थाना अध्यक्ष मोहम्मद सफदर अली ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया। वहीं दूसरी ओर मृतक के परिजनों में घटना की जानकारी हो तो ही घटनास्थल पर पहुंचे पति एवं अन्य परिजनों के चित्कार से माहौल गमगीन हो गया। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पेज पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें।